मैं इससे पहले नेशनल कॉलेज लाहौर के बारे में बात कर रहा था, अब मैं भगत सिंह ने लाहौर के इस नेशनल कॉलेज से क्या सीखा और क्या क्या उसने कारनामे किए उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि नेशनल कॉलेज लाहौर में एक ड्रामा क्लब था और उस ड्रामा क्लब का ये मेंबर था और ये बहुत अच्छा कलाकार था। और एक बार तो भाई परमानंद ने जब इसका अदाकारी देखी तो उसमें चंद्रगुप्त बना था और भाई परमानंद ने ये कहा था कि तू तो वाकई आगे चलकर चंद्रगुप्त का जो है पार्ट अदा करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये कलाकार बड़ा अच्छा था, विद्यार्थी बड़ा अच्छा था। और वहाँ पर एक द्वारकादास लाइब्रेरी थी। द्वारकादास लाला लाजपत राय के एक मित्र हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी याद में जो है द्वारकादास लाइब्रेरी बनाई गई थी। और उस लाइब्रेरी में लाला लाजपत राय ने अपनी सैकड़ों किताबें जो उनकी कलेक्शन थी वो वहाँ पर जमा थी, और देशभक्तों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर वहाँ बहुत सारा लिटरेचर कलेक्ट था। और वही द्वारकादास लाइब्रेरी आज चंडीगढ़ के 15 सेक्टर में आई हुई है। तो इस द्वारकादास लाइब्रेरी में भगत सिंह बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करता था। राजा राम शास्त्री जो है वहाँ के लाइब्रेरियन हुआ करते थे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो नेशनल कॉलेज लाहौर है, इसमें जो लेक्चर दिए जाते थे, इसमें जो लिटरेचर कलेक्ट था, इसको इस लिटरेचर को ये पढ़ते थे, तो जो इसका फॉर्मेटिव पीरियड है वो सारे का सारा काफ़ी हद तक जो है वो इस नेशनल कॉलेज लाहौर पर निर्भर करता है। और नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी यहाँ लिख कर लगाया करते थे NC, नेशनल कॉलेज, इसका मतलब होता था। तो मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉलेज लाहौर जैसा कॉलेज आज भी इस आज़ाद हिंदुस्तान में होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50,000 से ऊपर कॉलेजेस हैं। क्या हमारे देश का कोई महान व्यक्ति या सरकार या कोई जो है सोशल एक्टिविस्ट या कोई बहुत बड़ा जो है जिसको देश के साथ लगाव हो, प्यार हो, तो मेरी एक राय है कि नेशनल कॉलेज लाहौर जैसा एक कॉलेज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बनना चाहिए। और उस कॉलेज का पर्पज़ विद्यार्थियों को नौकरी दिलाना नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नेशनल कॉलेज वॉज नोन एज द नर्सरी ऑफ पेट्रियट्स, वहाँ के निकले हुए विद्यार्थी देश सेवा के लिए अपने आप को निछावर कर दें। एक बार मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया तो मुझसे किसी ने पूछा, एक विद्यार्थी ने पूछा कि भगत सिंह को मिला क्या? तो मैंने उसको बताया कि क्या मिले का मतलब है कि ये कोठी, बंगले, गाड़ियां जो हैं यही दौलत नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। और दुनिया में सबसे बड़ी जो दौलत है वो है जनता का प्यार, गरीबों का प्यार, झोंपड़ी वाले का प्यार। अगर किसी व्यक्ति को झोंपड़ी वाला भी प्यार करता है तो ये सबसे बड़ी कमाई है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि नेशनल कॉलेज लाहौर के निकले हुए विद्यार्थी इसी प्रकार के देशभक्त थे। अगर भगत सिंह जो है इस ट्रैक पर ना चलता, देशभक्ति के ट्रैक पर ना चलता, आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होता तो वो हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता। अगर इसके अलावा जो है बिस्मिल जो है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल अगर आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होते तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनते। अगर अशफाक उल्ला खान आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होते तो वो किसी बॉलीवुड के जो हैं बहुत बड़े एक्टर बनते। तो इन्होंने अपना जीवन जो निछावर किया इसीलिए किया ताकि जो है उनका देश आज़ाद हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉलेज लाहौर के निकले हुए विद्यार्थी वो जनता के, गरीबों के, पीड़ित समाज के बहुत बड़े सेवक थे। तो आज भी हिंदुस्तान में नेशनल कॉलेज लाहौर के पैटर्न पर एक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, ये मेरा संदेश है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। लेकिन इसको कोई भी, मुझे उम्मीद आने वाले वक्त में कोई ना कोई पूरा करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि नेशनल कॉलेज लाहौर में जब ये पढ़ते थे तो 1923 सितंबर की बात है, क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र था। अब क्योंकि बड़ा भाई तो गुजर चुका था तो इसकी दादी जो है जयकौर, वो इसकी शादी करना चाहती थी। उस ज़माने में छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। इसकी माँ तो 10 साल की थी जब शादी हुई थी। तो ये जब 1923 में 16-17 साल का था तो इसकी दादी इसकी शादी करना चाहती थी। भगत सिंह शादी नहीं करवाना चाहता था। एक बार इसका एक दोस्त था, उसने पूछा, भगत सिंह तुम शादी क्यों नहीं कराना चाहते? तो इसने ये कहा था कि मेरे घर में ऑलरेडी 2 विधवा बैठी हैं, एक विधवा है, दूसरी का तो पता ही नहीं कि विधवा है कि सधवा है, तो मैं विधवाओं की संख्या नहीं बढ़ाना चाहता।
ये दूसरी शादी, ये शादी नहीं करना चाहता था। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद से किसी ने पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं कराते, तो उसने कहा था कि मैं गुलामों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहता। तो भगत सिंह की दादी ने प्रेशर डाला और ये शादी नहीं करवाना चाहता था, ये घर से भाग जाता है और बकायदा अपने पिताजी के जो है कमरे में एक चिट्ठी लिख कर जाता है कि जो है मैं, आपने, आपको याद होगा कि दादाजी ने जब मैं छोटा था तो देश के लिए मुझे अर्पित कर दिया था, तो मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता हूं और मैं शादी नहीं करवाना चाहता। तो ये घर से भाग जाता है, इसकी दादी बीमार हो जाती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में ना बताता हुआ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये शख्स ने जो शादी कराई कैसी कराई। दुर्गा भाभी ने एक जगह लिखा है कि इसकी शादी तो हुई, तो शादी का मंडप जो है वो क्या था, जो फांसी का फट्टा था वो उस पर खड़ा होकर, वो तो जो है एक प्रकार से जो है वो नीचे का बिछाने वाला था, और जो है फंदा जो है वो वरमाला थी, और मौत जो है वो इसकी दुल्हन थी, तो इसने उस प्रकार की शादी करवाई थी। तो भगत सिंह ने, अब पॉइंट ये है कि जब ये पढ़ लिख गया, इसने लिटरेचर पढ़ा, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौकीन था, और पढ़ने के बाद इसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। अब असली जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि इसने देश के लिए किया क्या, इसको हम शहीद आजम क्यों कहते हैं। शहीद आजम का मतलब है सबसे बड़ा शहीद, मुगल आजम, शहीद आजम, तो सबसे बड़ा शहीद, शहीद तो और भी थे, शहीद तो राजगुरु भी है, शहीद तो सुखदेव भी है, लेकिन हम इसको शहीद आजम क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसने कौन से बड़े बड़े कारनामे किए। इसका एक कारनामा तो सबसे बड़ा जो है वो ये है कि 1928 की बात है, साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आया और उस साइमन कमीशन को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, उसमें सैकड़ों लोग थे, हालांकि भगत सिंह उसमें नहीं था, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कहीं प्रैक्टिस करने गया था, गोली चलाने की, फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये उस भीड़ में नहीं था। तो जब वो साइमन कमीशन आया और उसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो जो पुलिस का जो SSP था, स्कॉट उसका नाम था, और जो ASP था वो मिस्टर सांडर था, दोनों ने इनके ऊपर, लाला जी के ऊपर लाठियों से प्रहार किया, तो लाला जी के काफ़ी चोटें लगी, चोटें शरीर के ऊपर तो जो लगी से लगी, लेकिन अंदर की चोट उससे ज़्यादा खतरनाक थी। अगर एक बाप बेटे को चमेट मार दे तो दर्द नहीं होता, लेकिन बेटा बाप के चमेट मार दे तो उसमें गम में भी बाप मर सकता है। तो लाला जी के ऊपर जब इस प्रकार की लाठी लगी, तो शाम को उन्होंने भाषण दिया वहीं लाहौर में, और वो जख्मी थे, और उसमें वो कहते हैं कि मेरे जिस्म पर लगी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी तबूत में आखिरी कील का काम देगी। जब कोई अंग्रेज मर जाता है तो उसको तबूत में डालकर ऊपर कील गाड़ दिए जाते हैं, दफना दिया जाता है, और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। और आज लड़कों को, युवा पीढ़ी को यही नहीं मालूम कि लाला जी जो उंगली इस तरह कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। मैं जब हिसार में था तो हिसार में लाला लाजपत राय का स्टेचू लगा हुआ है और वो यूं ही उंगली कर रहे हैं, तो एक लड़के ने दूसरे से पूछा कि ये क्या उंगली कर रहे हैं लाला जी, तो दूसरे ने कहा ये कह रहे हैं कि सामने शराब का ठेका है। तो अब तो लाला लाजपत राय की उस इशारे का मीनिंग भी जो है युवा पीढ़ी नहीं जानती। तो थोड़े दिनों के बाद लाला जी की डेथ हो गई। जब लाला जी की डेथ हो गई तो डेथ के बाद एक देशभक्त थे चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी विधवा ने, उनकी पत्नी ने ताना मारा कि क्या आज देश में कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है जो लाला जी की मौत का बदला ले सके। तो भगत सिंह ने, ये चंद्रशेखर आजाद ने, इन क्रांतिकारियों ने कहा हम बदला लेंगे। तो जो सांडर था जिसने लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई थी, स्कॉट ने बरसाई थी, हालांकि स्कॉट को जो है गलती से वो उस दिन था नहीं लाहौर में, तो बकायदा 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों ने जो है बकायदा पुलिस का हेडक्वार्टर जो लाहौर में है वहाँ ये गए, और जो ही सांडर शाम को 4:10 पे वो बाहर निकलता है तो इन्होंने फायर किए, तो उसमें राजगुरु ने भी फायर सबसे पहले किया, उसके बाद भगत सिंह ने किया, चंद्रशेखर आजाद इनको कवर कर रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। लाला लाजपत राय प्रतीक थे हिंदुस्तान के, जैसे देश का राष्ट्रपति है वो देश का प्रतीक है, तिरंगा झंडा हमारा प्रतीक है,
तो वो हिंदुस्तान के एक प्रतीक थे, उसके ऊपर इन अंग्रेजों ने लाठियां जलाकर उनका वध कर दिया था, तो उसका बदला लिया। इसे पूछा गया कि भगत सिंह तुम्हारे तो लाला लाजपत राय के साथ जो है विचार भी नहीं मिलते थे, लेकिन तुमने इतना जिंदगी का रिस्क क्यों लिया? तो इन्होंने कहा था कि अगर एक नौजवान बेटे के होते हुए उस बुजुर्ग बाप के ऊपर कोई बाहर से आकर हमला कर जाए तो वो चुप नहीं रह सकता। तो सारे देश में अंग्रेज घबरा गए थे, कई अंग्रेज तो अपना जुली बिस्तरा उठाकर इंग्लैंड भाग गए थे। तो हिंदुस्तान के नौजवान बड़े खुश हुए थे, तो देश में एक जागृति, एक इंस्पिरेशन की बात जो है फैल गई थी। तो एक तो भगत सिंह ने बहुत बड़ा काम जो किया अपने साथियों के साथ मिलकर, मैं ये नहीं कहता कि इसने अकेले ने किया, बाकी क्रांतिकारियों का भी काफी उसमें योगदान है। तो देश के इस तोहीन का बदला लिया, ये एक इनका बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा दूसरा क्या काम किया इन्होंने? दूसरा काम ये किया कि 8 अप्रैल 1929 को, जिसको आज हम लोकसभा कहते हैं, जिसको आज हम पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ाद पार्लियामेंट है ये, तो इस में एक बिल पेश होना था। और उस बिल में क्या था कि जो है जो हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार उनके जो है छीने जा रहे थे अपना जो है स्ट्राइक करने के, गरीबों के अगेंस्ट था वो बिल, तो उस बिल को पेश करना था। तो ये जो है बी के दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 सोमवार का दिन था, 12:10 पर बकायदा जो है सरदार पटेल का बड़ा भाई वल्लभ भाई पटेल स्पीकर हुआ करता था उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो जो ही वो रिजल्ट सुनाने के लिए खड़ा हुआ तो भगत सिंह और बी के दत्त ने वहाँ बकायदा धमाका किया। और उस धमाके में किसी को मारने का इरादा नहीं था, क्योंकि आगे पंडित मदन मोहन मालवीय बैठे हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए थे, हिंदुस्तान के भी थे, अंग्रेज भी बैठे हुए थे, एक दो को चोटें जरूर लगी और ये अरेस्ट हो गए। तो अरेस्ट होने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला। 6 जून 1929 को दिल्ली की कोर्ट में भगत सिंह और बी के दत्त का जो बयान है उसको सुनने के लिए अंग्रेज आए, बड़े बड़े ऑफिसर आए, तो वो भाषण इतना इम्प्रेसिव है, इतना एंटी ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के खिलाफ है कि उसको सुनकर अंग्रेज भी बड़े हैरान हुए। और 12 जून मतलब कि 6 जून को इसने अपना जो है अपना अपनी पैरवी की, और इसके जो वकील हैं वो ब्राय नाम ही थे, और वो इन्होंने जब अपनी पैरवी की तो 12 जून को जो है इनको काले पानी की सजा सुना दी गई। और जब काले पानी की सजा सुना दी गई तो उसके बाद वो जो गोली जो हवाई फायर किया था वो गोली जो है टैली कर गई उसके साथ जो इन्होंने सांडर को मारा था। तो इनको लाहौर ले गए, लाहौर की जेल में इनके ऊपर मुकदमा चला। और उस मुकदमे में मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बताना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर 1930 को इनको सजाए मौत सुना दी गई। जब सजाए मौत इनको सुना दी गई उसके बाद ये अपील नहीं करना चाहते थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जैसे महान लोगों ने प्रेशर डाला, और उसके बाद प्रिवी काउंसिल लंदन में हुआ करती थी, अपील की गई, और वहाँ 12 फरवरी 1931 को जो अपील जो है वो खारिज हो गई। और 23 मार्च 1931 को सोमवार का दिन शाम के 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि फांसी 24 मार्च 1931 को सुबह 7 होनी थी। फांसी हमेशा जेल मैनुअल के मुताबिक मॉर्निंग में होती है। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम 24 मार्च को सुबह फांसी देंगे तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था, खबर आ चुकी थी, जेल को घेर लें लोग और कहीं तोड़फोड़ ना हो, तो उन्होंने 23 मार्च 1931 को सोमवार के दिन शाम को 7:33 पर इसको फांसी दी जाती है। लेकिन इस फांसी से पहले कि मैं आपको एक दो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 23 मार्च 1931 को प्रातः 10 के करीब भगत सिंह का एक दोस्त भी था और वो वकील भी था, उसका नाम था प्राणनाथ मेहता, सिर्फ उसको मिलने की इजाजत थी। वो आया इसको मिलने काल कोठरी में, और इसने उसको कहा कि मेहता साहब, मैंने ट्रिब्यून अखबार में लेनिन की बायोग्राफी का रिव्यू पढ़ा है, मुझे लेनिन की बायोग्राफी वाली वो किताब ला के दो। तो वहाँ लाहौर में एक रामचंद्र एंड सन्स किताबों की बहुत बड़ी दुकान है, क्योंकि किताबें जो हैं ये तो बुक्स आर द वॉइस ऑफ अवर फोर फादर्स,
और अब तो कहते हैं कि इंडिया हैज मोर बार्स एंड लेस बुक शॉप्स, अब तो किताबों की दुकानें, जनरल बुक्स की दुकानें कम है, ठेके ज़्यादा हैं शराब के। तो रामचंद्र एंड सन्स के पास वो गया और वो लेनिन की बायोग्राफी लेकर आया। भगत सिंह ने उसे छीन ली एकदम और छीन कर पढ़नी शुरू कर दी। तो भगत सिंह को ये पता था कि कल 24 तारीख को प्रातःकाल मुझे फांसी होगी, मेरे पास काफ़ी घंटे हैं, मैं इस किताब को पढ़ जाऊंगा। तो दोपहर को जेल का एक कर्मचारी आया और वो आते ही उसने कहा कि भगत सिंह नहा दो लो, आखिरी बेला आ गया। तो ये तो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहा था। इसने कहा रुक जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को मिल रहा है। और इसने उस किताब को पढ़ा, पूरा तो पढ़ा नहीं, चैप्टर कंप्लीट किया, छत पर ऊपर फेंकी, कैच की, नीचे रखी और नहा धोकर फांसी के फंदे पर जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इसको नहा दिया, नहा धो लिया इसने, तो उसके बाद एक जेल का जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकबर खान उसका नाम था, वो आया और दो और भी जो है वार्डर थे। तो जब वो इसको काल कोठरी में से निकालते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे और भगत सिंह जो है वो हंस रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहा है वो हंस रहा है, नाच रहा है, और जो उसको फांसी के फंदे पर ले जा रहे हैं वो मायूस हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। और ये तीनों के तीनों, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को जब फांसी घर ले जाते हैं तो वहाँ पर जो है अंग्रेज़ डीसी खड़ा था लाहौर का, और उस लाहौर के डीसी को देखकर भगत सिंह ने एकदम कहा, ओ यंग मैन, यू आर फॉर्चुनेट अनफ दैट यू आर लुकिंग हाउ द इंडियन रेवोल्यूशनरीज मार्च टू देयर डेथ। और कहते हैं कि जब ये वहाँ पहुँचा, इसने उसको ये कहा और फांसी के फंदे जो है तीन रस्से लगे हुए थे, फंदे लगे हुए थे, तो राइट हैंड साइड पे सुखदेव को खड़ा किया गया, बीच में भगत सिंह को और इधर राजगुरु को, और जो इनको फांसी देने वाला व्यक्ति था, जो जल्लाद था, उसका नाम था काला मसीह, वो लाहौर से 5 मील दूर शाहदरा गांव है वहाँ का रहने वाला था। और कहते हैं कि काला मसीह ने जब भगत सिंह को फांसी देनी थी, उससे पहले वो इसके पाँव मार लगाता है, और काला मसीह ने ये कहा कि भगत सिंह आज मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई तो जल्लाद ने ये कहा था कि मैं संविधान का पालन करने जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फांसी देने वाला भी आंसू बहाता है और इस प्रकार की वो बात कहता है। जब इन तीनों को फांसी दे दी गई, उसके बाद इनकी डेड बॉडी लटकती रही कुएं में, नीचे कुआं है और उसमें लटकती रही, उसके बाद इनकी डेड बॉडी को उतार कर उसके टुकड़े किए गए और उनको टोकरों में डाला गया। सेंट्रल जेल लाहौर के पीछे एक पैसेज था, वहाँ से ये डेड बॉडी निकाली गई और वहाँ ट्रक खड़ा था और उस ट्रक में डेड बॉडीज़ को, इन टुकड़ों को रखा गया, और फिरोजपुर से लगभग 10 मील दूर हुसैनीवाला सतलुज दरिया के किनारे पर रात को इन तीनों की डेड बॉडीज़ को तेल डालकर जला दिया गया। अधजली लाशें जो है सतलुज दरिया में फेंक दी गई और उसके बाद अंग्रेज़ वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इन तीनों को, अब इनका अंतिम संस्कार इस प्रकार से अपमानित ढंग से जो किया गया, तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा विद्वान राहुल शंकरातायन ये लिखता है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इनकी अर्थी को कोई कंधा देने वाला नहीं था। और राहुल शंकरातायन ये कहते हैं कि इतना बड़ा काम करो कि तुम्हारी अर्थी को कोई कंधा देने वाला ना मिले, लेकिन आने वाले युग कंधा दें। ठीक है, भगत सिंह उस दिन 23.5 साल का था। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे वहाँ लोग नहीं थे, लेकिन जब भगत सिंह 23 साल का था, इसके आगे 0 लग गई, 230 साल का हो गया, जब 230 साल बीतेंगे और 0 लगती रहेगी, तो ऐसे महान लोग कभी भी जो हैं, ये शरीर इनका ख़त्म हो जाता है लेकिन ये लोगों के दिलों में समाए हुए हैं, ये अमर हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि हम इसको शहीद आजम इसीलिए कहते हैं कि ये एक विचारक भी था। ये तो जो मैंने आपको जो बातें बताई, ये तो इसके कारनामे हैं। तो इसने जो लेख लिखे हैं, इस व्यक्ति की जितनी भी लेखनी है, इसने 100 से ऊपर जो है इसके लेख हैं, इसने 2-3 किताबें भी लिखी हैं। तो इसके जो विचार हैं, जो इसने प्रवचन दिए, जो इसने बातें कही, और ये कहा था इसने मरने से पहले कि मेरे मरने के बाद कुछ सालों के बाद देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ये आज़ादी नाम मात्र की होगी,
ये महात्मा गांधी जी जो आजादी लेना चाहते हैं, इसका मतलब केवल एक ही होगा कि चंद लोगों के द्वारा बहुमत का शोषण करने का अधिकार मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने ये भविष्यवाणी की थी कि हमारे जाने के बाद कुछ सालों के बाद देश आजाद हो जाएगा, लेकिन वो आजादी नाम मात्र होगी और उस आजादी का मतलब होगा कुछ लोगों के द्वारा बहुमत का शोषण करना, और वही हुआ। और इसने ये भी कहा था कि हमारे जाने के बाद जो है लोगों को हमारी बात में याद आएगी, और ये कहा करता था, ये शायर भी बड़ा अच्छा था। तो इसने एक शेर में एक कहा भी है कि जो है हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे ना रहे। तो ये व्यक्ति जो है शहीद आजम है, क्योंकि ये विचारक था, ये बहादुर था, ये देशभक्त था, ये पीड़ित समाज का हमदर्द था। और जब ये खड़े होकर बोलता था, तो मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ, ये आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब ये खड़े होकर बोलता था, उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 32 करोड़ थी। इतिहासकार साहित्यकार ये कहते हैं कि ये भगत सिंह अकेला नहीं बोल रहा था, ये पूरे पीड़ित हिंदुस्तान की आवाज़ बन के बोलता था। ये 32 करोड़ लोगों की आवाज़ बन के बोलता था, अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहता था। एक बार इसकी चाची ने कहा भी भगत सिंह तैनू तो पुलिस ने बड़ा कुटिया ना, ना 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 चाची मैंने तो कभी हाथ ही नहीं लाया। अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहता था, लेकिन दूसरों के छोटे से दुख को भी बड़ा दुख समझता था। तो हिंदुस्तान की गरीब जनता, हिंदुस्तान का पीड़ित समाज, उसका ये चलता फिरता प्रतीक है, उनका चलता फिरता हमदर्द है। ऐसे नौजवान अगर नेशनल कॉलेज लाहौर में से निकल कर आज भी हमारे लिए गर्व का कारण बने हैं, तो मेरी हार्दिक इच्छा, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉलेज लाहौर बनाया जाए, ताकि और भगत सिंह पैदा हों और आज की जो आर्थिक सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में हमें सहायता मिले। धन्यवाद।